बेटी भी लाते ना सेम ग्लास ही ट्राई करिए इसे। Assalamualaikum, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो स्पॉन्सर की गई है हायर की तरफ से। तो आज हमारे किचन बन रहे हैं हायर प्रेजेंट बेकरी स्टाइल मिनी पिज्जा, जिसे हम बनाएंगे हायर के माइक्रोवेव अवन में। तो सबसे पहले हमने डो तैयार करनी है, तो डो तैयार करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, मैदा लेंगे हम 2 कप, मिल्क पाउडर लेंगे हम 1 टेबल स्पून। अगर मिल्क पाउडर आपके पास नहीं है तो आप टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं, आप मत लें। इंस्टेंट ईस्ट लेंगे हम 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, मेल्टेड रूम टेम्परेचर बटर लेंगे हम 2 टेबल स्पून, चीनी लेंगे 1 टीस्पून और नीम गरम हम दूध लेंगे। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो आप इसमें नीम गरम पानी भी डाल सकते हैं हसबे जरूरत। मैदे में डालेंगे मिल्क पाउडर, नमक, ईस्ट, चीनी, मिक्स करेंगे हम इन सारी चीजों को डाल के। तो ये देखिए सारी चीजें डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम क्या करेंगे, सेंटर में जगह बना लेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें दूध डालूंगी और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा बटर डाल दूंगी, बाकी का हम बचा लेंगे। मिक्स करेंगे बटर और दूध को। हाँ, अगर आप लोग बटर नहीं ऐड करना चाहते तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि बटर ही डालना है आपने। तो मैं फिर से इसमें दूध डालूंगी, देखिए अब हम क्या करना है, डो को अच्छे से गूंदना है और जितना भी बटर बच गया था ना वो हमने सारा इसमें डाल देना है। बटर से ये होगा जो हमारे चिकन क्रोस बन रहे हैं ना वो बहुत जबरदस्त बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। अब हमने तकरीबन 5 मिनट तक इसको अच्छे से गूंदना है। हाँ, अगर आप इसमें चाहें तो आप एक अंडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि अंडे की स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरे घर वालों को भी, तो इसलिए मैं इसमें अंडा नहीं ऐड कर रही। तो अब मैं इसको अच्छे से गूंदूंगी तकरीबन 5 मिनट तक। तो ये देखिए डो मैंने अच्छे से गूंद ली है। अब मैं क्या करूंगी, इसको कवर करके रख दूंगी 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए डो कितनी सॉफ्ट है और मेरे हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। इस तरह की डो आपने गूंदनी है। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज में नहीं। मिनी पिज्जा की टॉपिंग तैयार करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, बोनलेस चिकन लिया मैंने, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, 250 ग्राम चिकन लिया मैंने। तिक्का मसाला लेंगे हम 1 टीस्पून, जीरा पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून, अगर पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप थोड़ी सी मिर्ची ले लें। धनिया पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून, अदरक पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून, अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लें। सिरका लेंगे हम 1 टेबल स्पून और हसबे जरूरत नमक लेंगे हम 1/2 टीस्पून और ऑयल हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून। तो चलिए रेडी करते हैं। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, इसमें हम डाल देंगे चिकन और इसमें डाल देंगे हम सिरका, टिक्का मसाला, पेपरिका पाउडर, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और ऑयल। बस, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, 1/2 कप हम इसमें पानी डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इसी तरह तो ये देखिए चिकन हमारा कुक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको साइड पे कर देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए डो हमारी राइस हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे, पंच करेंगे, मैदा डस्ट करेंगे, और इसके हमने छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं।
हो गया, एक पेड़ा पकड़ेंगे इस तरह से, छोटे छोटे पेड़े बना के रखते जाएंगे। तो ये देखिए सारे पेड़े हमने बना लिए। अब हम क्या करेंगे, जिस ट्रे में हमने इसको बेक करना है, क्योंकि सबसे पहले हमने बेस को बेक करना है, तो ये ट्रे ले ली है, थोड़ा सा मैं इस पर ऑयल लगा लूँगी। तब हम क्या करेंगे, एक पेड़ा पकड़ेंगे, बाकी के पेड़ों को साइड पे कर देंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, प्रेस करेंगे, फिर इसको बेल लेंगे। जैसे बेकरी में थोड़ी जो बेस होती है वो मोटी मोटी सी होती है, बिल्कुल उसकी पतली नहीं होती, तो इसी तरह हमने भी रखना है। तो ये देखिए एक मैंने बेल लिया, थोड़ी सी ये देखिए इसकी बेस है ना, थोड़ी थिक सी है, तो ये मैंने ट्रे ली है, इस पर मैं रखूँगी। जितने आएंगे ना उतने हम रखते जाएंगे, और अब मैं दूसरा बेलूँगी, ट्रे में रख देंगे। ये भी हो गया, इसको भी हम यहाँ रख देंगे। तब हम फोक से निशान लगा देंगे कि ये ज़्यादा फूले ना, बिल्कुल जैसे नान होते ना उस तरह ना हो जाए, इसलिए सब पे ऐसे कर देंगे। चलें तो चलें, अब इसको हम हाइड के माइक्रोवेव अवन में बेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के लिए, क्योंकि ये एक मिनट में इसकी बेस है जो बेक हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। ठीक है, चलें अब इसको बेक करते हैं। एलिगेंट डिजाइन वाला हार्ड का ये माइक्रोवेव ओवन आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा प्रोफेशनल बना देता है। इसमें सिर्फ पिज्जा नहीं, और भी बहुत सी ऐसी रेसिपीज आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि फिश, पटैटो, पास्ता, मीट, सूप और बहुत कुछ। तो अब इसको हम रखेंगे, तो ये देखें ये हो चुके हैं बेक सिर्फ एक मिनट में। अब इसको हम निकालते हैं, तो ये देखिए जबरदस्त से बेक हो गए हैं। तो अब हमने इसके ऊपर टॉपिंग करनी है। अगर आप टॉपिंग नहीं करना चाहते तो आप इसे बना के इस तरह प्लास्टिक बैग में डाल के फ्रीज भी कर सकते हैं, जब आपका दिल किया इसको निकाला और पिज्जा टॉपिंग करके पिज्जा रेडी हो जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं आप। तो अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले पिज्जा सॉस लगाऊंगी, होममेड पिज्जा सॉस है मेरी, आप चाहें तो आप घर में बना सकते हैं, आप सर्च करें पिज्जा सॉस बाय किचन विद आमना तो आपको मिल जाएगी, बहुत मजे की है। और एक बात, ये जो बेकरी स्टाइल पिज्जा होता है ना, वो इसमें डालते हैं चैटर चीज, मोजरेला चीज नहीं डालते, तो हम इसमें चैटर चीज डालेंगे। अब चिकन जो मैंने आपके सामने रेडी किया है, अब चीज जाएगा और हम इसमें लगाएंगे शिमला मिर्च और साथ टमाटर और ऑलिव्स ब्लैक वाले, और इसके ऊपर हम एक एक ऑलिव्स लगा देंगे, हो गया। और ओरिगानो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, बस। तब इसको हम फिर से हाइड के माइक्रोवेव ओवन में ग्रिल कर लेंगे। तो ये देखिए बेक हो चुके, ऐसे निकाल लेंगे। तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह मैं बाकी के भी कर लूंगी। तो तैयार है हमारे हायर प्रेजेंट्स बेकरी स्टाइल मिनी पिज्जाज, बहुत ही मजे के बने हैं, जिसे हमने बनाया है माइक्रोवेव ओवन में, मतलब हायर के माइक्रोवेव ओवन में। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पर क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पर क्लिक करके लाइक विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़, और ये रेसिपी आप ट्राई करें घर में।